अयोध्या में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए कामना की जा रही है। हनुमानगढ़ी में अनुष्ठान के बाद अब समाजवादी यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने भी अपने नेता के जल्द कोरोना मुक्त होने की दुआ मांगी है। सरयू तट पर सपा कार्यकर्ताओं ने हवन किया, इसके बाद गुरुद्वारे में भी उनके स्वस्थ होने की कामना के साथ अरदास लगाई गई। पूर्व मुख्यमंत्री व सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव कोरोना संक्रमित हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता व समर्थक उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना के साथ अनुष्ठान कर रहे हैं। अयोध्या हनुमानगढ़ी में सपा संरक्षक के स्वस्थ होने की कामना के साथ अनुष्ठान होने के बाद अब सपा कार्यकर्ताओं ने रविवार को सरयू नदी के तट पर स्थित गोलाघाट पर हवन किया, जिसमें वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ईश्वर से मुलायम सिंह यादव के शीघ्र स्वस्थ होने की याचना की गई। हवन कर उनके दीर्घायु होने की कामना की गई। समाजवादी यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष शोएब खान ने कहा कि सपा संरक्षक की सरपरस्ती उन सभी को ऊर्जा मिलती है, वे कोरोना संक्रमित हो गए हैं। धार्मिक स्थलों पर पूजा पाठ कर उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। गोलाघाट पर हवन के बाद गुरुद्वारा में भी उनके स्वस्थ और लंबी आयु के लिए अरदास का कार्यक्रम है। शोएब खान ने कहा कि सपा यूथ ब्रिगेड सपा संरक्षक के शीघ्र स्वस्थ होने की उम्मीद करती है। आगामी विधानसभा चुनाव में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनने में उनका मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक है। ये आप लोग जान रहे हैं कि विगत दिनों से हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी अस्वस्थ हैं, कोरोना पॉजिटिव होने के वजह से वो अस्पताल में भर्ती हैं। हम सभी समाजवादी लोग आज अयोध्या में शोएब खान, मैं जिला अध्यक्ष यूथ ब्रिगेड के नेतृत्व में और इंद्रपाल यादव जी के नेतृत्व में, विजय बहादुर वर्मा जी के नेतृत्व में, त्रिभुवन प्रजापति जी के नेतृत्व में सब लोगों ने मिल करके आज यहाँ गोलाघाट सरयू जी के तट पर नेताजी के उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घायु के लिए हवन का कार्यक्रम किया गया। उसके बाद घर पे दुआ की गई, कुरानखानी की गई और इसके बाद अभी गुरुद्वारे में भी नेताजी का अरदास, उनके लंबी आयु उत्तम स्वास्थ्य के लिए अरदास का कार्यक्रम रखा गया है और हमारे तमाम साथी नेताजी के लंबी आयु के लिए हवन और कुरान खानी और अरदास में शामिल हो रहे हैं। हम लोग यही प्रार्थना करते हैं ऊपर वाले हनुमान जी महाराज से, पाक परवाधिकार से, कि नेताजी जल्दी से स्वस्थ होकर हम लोग के बीच में आए और हम सभी समाजवादियों को एक नई ऊर्जा के साथ 2022 की मंत्रणा दे, ताकि हम सभी नौजवान 2022 में माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी को मुख्यमंत्री बना करके अपने नेताजी को। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।